हालात अलहमदुल्ला अच्छे हालात में। आज उलमा का बयान आ रहा, ठीक है, इख्तियार है बीजे के पसंद होती ना हो इसी की तय। मशाइखी ने उजान का बयान आ रहा और कुछ मशाइखी ने मुझको भी फोन किया, बात किया, बोला कि मियाँ जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, हमारी कुछ मजबूरियां है, हमारे गर्दन पे तलवार दिखा के दस्तखत दी जा रही कि हमारी तारीफ करो। आज ये हालत है कि मशाइखी ने उजान को भी नहीं बख्शा जा रहा, उलमाए कलाम पे जबरदस्ती बयान लिखा के दस्तखतें लिए जा रहे, ये हालात है मिल्लत के, ये हालात है मुस्लिम माशरे के। आज मस्जिद कमेटियों के अंदर गुंडागर्दी करके खत्म कर रहा है और मुसलमान माशरे में मौजिस होगा है। मस्जिदों में जब नमाज पढ़ के निकलता हूं तो कोई ना कोई बोलते हैं भाई कुछ तो हल निकाल दो, कुछ तो हल निकाल दो। ठीक है, मैंने लड़ता हूं इलेक्शन, आज तैयार एक मुसलमान की हैसियत से ऐलान, कम से कम मैं दावत दे रहा हूं, आओ इस मस्जिद में आके मक्का मस्जिद में आओ। गुज़श्ता इलेक्शन में भी बोला आओ मस्जिद में आओ, मैं तैयार हूं, बात करता हूं। या नहीं, अगर तुम डिबेट बहस चाहते हो तो 4 टीवी चैनल पे आप भी बैठो, सबसे डिबेट कर रहे जाके एक बार हमसे भी करो ना, कहीं तो हम याकूबपुर में रहते पसंद नहीं आते क्या? क्या बात अना हुजूर तकबूर दिक्कत तक। आज बाबरी मस्जिद पे मैं डूबा है, सच चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद शहीद कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, बाबरी मस्जिद की खुदवाई किसने कराया, 2005 मार्च 2003 के दिन कौन एक्शन कमेटी का शख्स था,